तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको फॉलोअप करनी है, ध्यान में रखनी है। अगर किसी विक्टिम को कभी सांप काट लेता है तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिस शब्द का, वो है डू इट राइट, RIGST या राइट, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। राइट का मतलब सही। आपको क्या करना है? सही तरीके से चीज़ों को फॉलोअप करना है। तो जो भी मरीज़ है, जिसको भी बाइट हुई है, उसकी जान आप निश्चित तौर पर बचा सकते हैं। सबसे पहला है रीअश्योर द पेशेंट। पेशेंट जो है या जो मरीज़ है, जिसको भी बाइट हुई है, आपको उसको सबसे पहले ये समझाना है, ये आश्वासन देना है, ये सांत्वना देनी है कि आपकी जान बच जाएगी। आप अस्पताल जाएंगे, वहाँ अस्पताल में इलाज मौजूद है, आप बच जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। कई बार क्या होता है, सांप के काटने के बाद मरीज जो है दिमागी तौर पर थोड़ा सा घबरा जाते हैं, दिमागी तौर पर घबरा जाते हैं। और आसपास के जो लोग होते हैं, पब्लिक हमारी जो है, जो आसपास के लोग हैं, वो क्या करती है, वो और डरा देती है। ये तो करत है, बहुत ज़्यादा जहरीला है, ये है। और भले करत ना हो, लेकिन डर जो है वो भी अपना रोल प्ले करता है, वो भी अपना किरदार निभाता है। और क्या होता है, इस डर की वजह से अगर बिना जहर वाले सांप ने भी काटा है तो पेशेंट जो है वो डर के कारण भी कई बार मर जाते हैं। 10-12% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बिना जहर वाले सांप ने काटा होता है और उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। तो आपको पेशेंट को ये समझा कर रखना है कि बाइट होने के बाद आप बच जाएंगे, अस्पताल में इलाज मौजूद है। दूसरा है आई, इमोबलाइज द बिटन लिप। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सांप जनरली कहाँ काटता है? आपने अगर मरीज देखे होंगे सांप की बाइट के या काटने के, तो कहाँ पर बाइट होती है ज़्यादातर? या तो पंजों में या फिर हाथ का ये इलाका। लकड़ी लेने गए तो यहाँ काट दिया, अंधेरे कोने में चल रहे हैं तो यहाँ काट दिया, दीवार के पीछे गए हाथ डाल दिए कुछ निकालने के लिए तो हाथ में, मतलब ये एरिया जो है, ये एरिया और पंजे का एरिया, पिडली और पंजे का एरिया, इस जगह पर सबसे ज़्यादा बाइट के केसेस होते हैं, इस जगह पर सांप सबसे ज़्यादा काटते हैं। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना है, मनोज जी आपके आपको अभी समझाएंगे। तो फर्ज करते हैं कि ये जो एरिया है, देखिए यहाँ पर आप दो डॉट देख सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको एक सांप ने काटा है, तो आपको क्या करना है? आपको ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले जो भी मरीज है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जितने भी उसने चूड़ी कंगन बिछिया बाली यही सारी चीजें पहनी, सबको निकाल दीजिए। कारण क्या है कि आपको नहीं पता कि सांप ने काटा है, हो सकता है उसके काटने के बाद उस एरिया में सूजन आना शुरू हो, खुलेंगी नहीं और बहुत ज्यादा नुकसान करेंगी शरीर को। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आपने बाइट हो गई, आपने हॉस्पिटल में फोन कर दिया, एम्बुलेंस आ रही है, आपको दो चीज का ध्यान रखना है। पहला, एम्बुलेंस से आपकी दूरी कितनी है? अगर एम्बुलेंस जल्दी आ सकती है तो एम्बुलेंस का वेट करिए, अगर नहीं आ सकती, आपके पास सुविधा मौजूद है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी गाड़ी में जो भी है, बाइक में ना ले जाए, अगर बाइक में जा रहे हैं तो 3 व्यक्ति जाए, कोशिश करें कि मरीज को 4-व्हीलर में लेकर अस्पताल तक जल्द से जल्द पहुंचे। और उस दौरान जब आप जा रहे हैं तो आपको ये करना है, एक लकड़ी की सहायता से आप मान लीजिए इस तरीके से एक लकड़ी लगाइए और पट्टी को एकदम ढीला बांधिए। ज़रूरी नहीं कि आप ये पट्टी ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप गमछा ले सकते हैं, आप वो जो क्रैप बैंडेज आती है चोट वोट मोच में लगाने के लिए, आप उसको ले सकते हैं, या किसी भी तरीके की कोई भी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको ढीला बांधिए। वैसा नहीं बांधिए जैसा आप मोच लगने पे या चोट लगने पे टाइट से बांधिए, वैसा नहीं बांध रहे हैं आपको। वैसा बांधने से क्या नुकसान होगा आगे हम आपको बताएंगे। लकड़ी को यहाँ लगाने की जरूरत कोई सब चलेगा, ये स्केल लकड़ी का काम क्या है, लकड़ी का स्केल हो कुछ भी, इसका काम क्या है? देखिए, जब आपका किसी का भी हाथ फ्रैक्चर होता है, टूटता है, तो डॉक्टर क्या करता है, अंदर कोई दवाई ववाई नहीं लगाता ना, सिर्फ एक भारी प्लास्टर लगा के आपके हाथ को ऐसा कर देता है। ऐसा होने से क्या होता है, हम हाथ को हिला नहीं पाते और धीरे धीरे वो जुड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर सांप ने आपको काटा है, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कदम ताल करते हुए घूम रहे हैं, ऐसे में क्या होगा, खून जो है वो बहुत तेजी से काम करता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों में आप अंतर देख सकते हैं, ये हाथ मेरा है ना, स्केल नहीं लगा इसमें तो ये गिर जा रहा है, और ये मूवमेंट कम होता है, जो आप मूव करना चाहते हैं, हिलाना चाह रहे हैं अपने
बिटन एरिया को या हाथ को वो आप कम करेंगे। ये मुड़ जा रहा है, आ रही बात समझ में? जितना ज्यादा आप हिलाएंगे उतनी ज्यादा तकलीफ होगी मरीज को, क्योंकि खून बहुत तेजी से बहेगा और जितना तेजी से खून बहेगा उतनी तेजी से जहर का असर होता है। दूसरा आपको क्या करना है, ये पट्टी आपने बांध दी, कोशिश करिए कि हाथ जो है वो दिल से नीचे रहे। पैर में बाइट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम पैर ऊपर नीचे ज़्यादा करते नहीं, लेकिन अगर हाथ में बाइट हुई है तो होता है कि ये हो गया वो हो गया, मरीज को लेटा दिया तो ऐसे करके लेट गया, कई सारी परिस्थितियाँ बन सकती हैं, कई सारी परिस्थितियाँ बन सकती हैं। कि अब ये कॉमन सी चीज़ है कि अगर बीमार होते हैं, बीमारी में हम कैसे लेटना पसंद करते हैं, अगर हम सीधे हाथ से लिखते हैं, सीधा हाथ इस्तेमाल करते हैं तो लेटे हैं, थोड़ा सा टेंशन है मुंह पे और ऐसे करके लेटे हैं, या फिर ये हाथ है तो ये हाथ। तो पट्टी बांधने का कारण ये है कि हाथों को या जो भी एरिया में आपको काटा गया है उसको हिलाया नहीं जाए। जितना ज़्यादा हिलाया जाएगा उतना ज़्यादा तेज़ी से खून आपके शरीर में दौड़ेगा, उतना जल्दी जहर जो है पूरे शरीर में फैल जाएगा। अगर आपको लकड़ी नहीं मिल रहा है, गमछा नहीं मिल रहा है, पट्टी नहीं मिल रहा बांधने के, तो आप ऐसे हाथ को भी रख सकते हैं, ऐसे भी स्थिर रहेगा, यहाँ पे हिलेगा डुलेगा नहीं, है ना। हाथ ये कर दिए, सपोर्ट दे दिए इससे, तो ये वैसे ही रहेगा, ये हिलेगा नहीं। ये भी काम आ सकता है, अगर लकड़ी नहीं मिल रहा है ना आपको उस टाइम पे, इमरजेंसी हो जाता है, समझ नहीं आता है क्या करें, लकड़ी ढूंढने जाएं या हॉस्पिटल जाएं, तो जाते जाते आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं अगर नहीं है आपके पास। अगर किसी का गमछा मिल गया तो तुरंत ऐसे कर दीजिए, नहीं है तो हाथ से रख सकते हैं। आपको इसका कारण सब समझना है कि क्यों ये आपको बताया गया। ये सिर्फ इसलिए बताया गया है ताकि जिस एरिया पे आपको सांप ने काटा है वो हिले डुले ना, आप इसको स्थिर रखें, स्थिर रख के ही हॉस्पिटल तक आपको पहुँचना है। याद रखिए, पट्टी बांधने का मकसद खून को रोकना नहीं है, खून रोकने का काम आपको नहीं करना है, पट्टी को इतना तेज या टाइट नहीं बांधना है जिससे आपका खून रुके। खून रुकेगा तो क्या होगा, खून रुक जाएगा तो क्या होगा, सुन्न तो होगा वो ठीक है, नीला नीला पड़ेगा यहाँ पर, ये होगा वो ठीक है। अभी क्या है, मान लीजिए कि आपने इसको कस के बांध दिया, आप लोगों ने देखा होगा हैंडपम्प पे या पाइप पे, जो पानी का पाइप होता है, अगर हम उस पर पैर रख देते हैं तो क्या होता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह जाना रुक जाता है, लेकिन जब हम उस पर से पैर हटाते हैं या वो टाइप जो भी चीज़ है उसको हटाते हैं तब क्या होता है, बहुत तेज़ी से निकलता है ना। यही चीज़ होगी जब आप पट्टी कस के बांध देंगे तो पहला ये होगा जहर जो है वो इसी एरिया में सीमित हो जाएगा और यहीं पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन अगर आप पट्टी बांध देते हैं, पट्टी नहीं बांधते हैं, तो जहर पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलता है और चांसेस है कि मरीज बच जाए और सुरक्षित बच जाए, उसके कोई अंग का नुकसान ना हो। लेकिन अगर आप पट्टी बांध दिए, जहर एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो गया, गाढ़ा होकर जमा हो गया, तो मरीज ठीक तो हो जाएगा लेकिन संभावना है कि जिस एरिया में उसको काटा है सांप ने वो एरिया को काटना पड़ जाए। तो पट्टी बांधने से नुकसान है, इसको आप ऐसे बांधिए लेकिन ढीला बांधिए, इतना ढीला बांधिए कि एक उंगली या एक लकड़ी उसमें आराम से जा सके। ये बात आपको समझ आ गई, दो चीज़ें हमने बता दी। पहला, मरीज को आप समझाइए कि आपको कुछ नहीं होगा, अस्पताल में इलाज है, आपकी जान बच जाएगी। दूसरा, आपने अस्पताल में फ़ोन कर दिया है, एम्बुलेंस आ रही है या फिर आप गाड़ी में लेकर जा रहे हैं, उस दौरान आपको ये करना है। इसके बाद आप अस्पताल जा रहे हैं, गेट टू द हॉस्पिटल। आखिरी चीज़ है टी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सांप के काटने के बाद टेल द डॉक्टर अबाउट द सिम्टम्स, आपको क्या लक्षण दिख रहे हैं, आप पर जहर का क्या असर हो रहा है, डॉक्टर को ये बताना ज़रूरी है, ये समझाना ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या फील कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये सिर्फ आप जानते हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं। मरीज को कैसा महसूस हो रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको प्यास लग रही है, उसका गला सूख रहा है, उसकी आंखें नीचे गिर रही हैं, उसको दिख नहीं रहा है, उसको पेशाब बहुत ज़ोर से आ रही है, उसको खून निकल रहा है, ये सारी चीज़ें किसको पता चलेंगी, सिर्फ मरीज को। जब तक मरीज़ डॉक्टर को बताएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा डॉक्टर को कि क्या क्या चीज़ें। आप जैसे ही अस्पताल गए आप सारी चीज़ें बताइए, कोई एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है, चाहे वो पेट में मरोड़ हो, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे घुटने में दर्द हो, या कुछ भी हो, आपको बताना ज़रूरी है। सर, इस कंडीशन में मरीज को कुछ खाने पीने का कुछ नहीं, किसी भी, ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, किसी भी परिस्थिति में सांप जब काट लेता है मरीज को खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए। आपने देखा होगा एक्सीडेंट भी जब होता है किसी का तो डॉक्टर या जो आसपास जानकार लोग होते हैं वो पानी वानी पिलाने से बचते हैं। क्या होता है, जब भी हम कुछ खाते पीते तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ऊपर जाता है,
आपने भी महसूस किया होगा ना, जब आप खाते वाते हैं तो दिल की धड़कन या ये सारी बढ़ जाती है। डॉक्टर भी खाना वाना खाने के बाद आपका बीपी कभी नहीं लेता। तो मरीज़ को अगर सांप ने काट लिया है किसी को, उसके बाद अगर आप उसको खाने को या पीने को देते हैं कुछ भी, तो उसका ब्लड प्रेशर जो है, जो उसका बीपी है, वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। और जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा उतना तेज़ी से खून शरीर में दौड़ेगा और उतनी तेज़ी से जहर भी फैलेगा। कई जगह ये चीज़ बोली जाती है कि करेत काट ले तो मिर्ची खिला दो, मिर्ची का अगर स्वाद पता चल रहा है तो करेत के जहर का असर नहीं हुआ। कई जगह बोलते हैं कि थोड़ा सा वो क्या पिला दो, कोई घी पिला दो, घी पिला दो, पपीते का जूस पिला दो। किसी भी तरीके की खाने पीने की चीज़ें आपको मरीज को नहीं देनी। बाइट होने के बाद सबसे पहला चीज़ है जो आपको बताया गया, आप मरीज से बात करिए, उसी दौरान कोई एक व्यक्ति हॉस्पिटल में फ़ोन करिए, एम्बुलेंस आ रही है तो ठीक है, अगर समय पर आ पा रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ पा रही है तो कोशिश करिए आप मरीज को स्वयं से खुद से लेकर जाएं अस्पताल। और उस दौरान जो ये छोटी मोटी चीज़ें बताई गई हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, मरीज से बात करते रहिए और हर वक्त उसको ये बताइए कि आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, अस्पताल में इलाज मौजूद है।